अगर आप भी टी बैग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारी देंगे, जैसे कितनी लागत में बिजनेस शुरू किया जा सकता है, रॉ मटेरियल, मशीनरी और उसकी कीमत आदि। इसके अलावा आपको चाय पत्तियों की वैरायटी के बारे में जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं चाय पत्ती की वैरायटी के बारे में। चाय पत्ती की वैरायटी, व्हाइट टी यानी सफेद चाय भारत सहित चाइना, तवांग और थाईलैंड देशों में उगाई जाती है और ये चाय पत्ती चाइनीज कमेलिया सिनेसिस पौधे के पत्ते से और कलियों से बनाई जाती है। ग्रीन टी, ग्रीन टी का सेवन काफी अधिक किया जाता है क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है और ग्रीन टी की पत्ती कैमेलिया सिनेसिस पौधे से प्राप्त होती है। उलोंग टी, ये चाय चाइना सहित कई देशों में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे देश में इस प्रकार की चाय को अधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं पिया जाता है। लेकिन अगर आप अपना टी बैग का व्यापार अन्य देशों में करना चाहते हैं तो आप उलोंग टी बैग बनाकर इनका एक्सपोर्ट उन देशों में कर सकते हैं जहां पर इस प्रकार की चाय पत्ती की मांग काफी अधिक है। ब्लैक टी, ब्लैक टी का सेवन भारत में किया जाता है और ये चाय पत्ती बाजार में बिकने वाली अन्य प्रकार की चाय पत्तियों में स्वाद में काफी स्ट्रांग होती है। हर्बल टी, हर्बल टी में जड़ी बूटी, फूल और फल का मिश्रण होता है और ये चाय पत्ती तीन प्रकार की होती है, राइबोस चाय, मिट चाय और हर्बल इन्फ्यूजन। ऊपर बताई की टी के अलावा येलो और फॉर्मेटेड नाम की चाय पत्ती भी बाजार में काफी बिकती है। चाय पत्ती के बैग बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, फिल्टर पेपर। टी बैग बनाने में इस्तेमाल होने वाला फिल्टर पेपर मुख्य रूप से अबाका फाइबर से बनाए जाते हैं और ये फाइबर फिलिपिन केले के पत्तों से प्राप्त किया जाता है जिसे मनीला हम के रूप में भी जाना जाता है। कहां से ले फिल्टर पेपर और इसके दाम, फिल्टर पेपर को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। इन पेपर के दाम इन पेपर की क्वालिटी के आधार पर तय किए जाते हैं। कहां से खरीदे चाय पत्ती, आप अपने शहर या राज्य के किसी भी चाय पत्ती बेचने वाले व्यापारी से थोक के दामों में इन्हें खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन के जरिए बताए गए लिंक पर जाकर चाय पत्ती खरीद सकते हैं। लिंक पर जाकर आपको कई ऐसे व्यापारी मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन के जरिए चाय पत्ती को बेचने का कार्य करते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टी बैग बिजनेस से जुड़ी मशीन, चाय पत्ती को फिल्टर पेपर में टी बैग मेकिंग मशीन की मदद से पैक किया जाता है और ये मशीन आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चाय पत्ती के दाम, चाय पत्ती के दाम उनकी क्वालिटी पर निर्भर करते हैं, यानी अगर आप अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती लेते हैं तो वो आपको 300 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी। वहीं अगर आप थोड़ी कम क्वालिटी वाली चाय पत्ती लेते हैं तो वो आपको 100 से लेकर 150 रुपए के बीच के दामों में मिल जाएगी। खरीदार, अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए आपको अधिक से अधिक टी बैग बेचने होंगे और इस बैग को बाजार में थोक व्यापारी के जरिए बेचने के अलावा आप चाहें तो सीधे तौर पर किसी रेस्टोरेंट, होटल या ऑफिस वालों से संपर्क करें, उन्हें बल्क में भी टी बैग बेच सकते हैं। मार्केट रिसर्च, टी बैग बनाने का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप इस बिजनेस से जुड़ी मार्केट की अच्छे से रिसर्च कर लें। मार्केट रिसर्च की मदद से आपको पता चल सकेगा कि आपके द्वारा बनाए जाने वाले टी बैग का कहां ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और किन जगहों पर आप इन्हें बेच सकते हैं। साथ ही आप टी बैग बनाकर बेचने वाली कंपनी से जुड़ी हुई रिसर्च भी कर लें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रतिस्पर्धा किन कंपनियों से है और इन कंपनियों द्वारा इस उत्पाद के कितने मूल्य हैं और इन कंपनियों द्वारा इस उत्पाद को कितने मूल्य में बनाया जाता है और कितने मूल्य में बेचा जाता है। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।